देखिए, मैं ईटानगर का वासियों को अभी एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा। ये जब मानसून का सीजन होता है तो हमारा ईटानगर में बहुत प्रॉब्लम होता है, खास करके ईटानगर में। हम क्लियरली आपका माध्यम से पब्लिक को बताना चाहेगा। अभी कुछ भी बोलने से पहले आपको ये बात बता दूं कि हाल ही में काल का दिन में क्लाउड ब्रास्ट हुआ है। क्लाउड ब्रास्ट जो है कुदरत का प्रकोप तो है, तो नेचुरल कैलामिटीज का कुदरत का प्रकोप में उसको कोई नहीं लड़ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो अनहोनी जो है कैसे कैसे हो जाता है, ये कुदरत का भगवान का किया कर्म है। फिर भी हम लोगों को जब विक्टिम हो गया, हमको पता चला है बहुत जगह में बहुत नुकसान हुआ, किसी का जान भी चला गया। अपना वार्ड नंबर 8 में वो पांचाली में एक लेडी का जान चला गया कल, और उसके बाद वो सारा स्ट्रेस जो है आपका चंद्रनगर तक बने बुरी तरह डैमेज हुआ। और ख़ास करके ये अपना मोदी रिजो में वार्ड नंबर 12 में, वार्ड नंबर 13 में 22-23 घर को पूरा ले गया, सामान कपड़ा सपरा पूरा कम्प्लीटली फ्लड हीट का कारण सब ले जाने के बाद। यहाँ हमारा प्रेस कॉलोनी में मैं जहाँ रहता हूँ, प्रेस कॉलोनी में तो बहुत गाड़ी, कितना अपना आइटन गाड़ी जो को आप मीडिया में देख रहा होगा, गाड़ी गोरा बहुत सारा सामान ले गया। इधर कुछ भी नहीं बचा किसी के पास में, कुछ बिलोंगिंग्स नहीं है, ना खाना पकाने का गैस चूल्हा वूल्हा कपड़ा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो अभी जब सोशल मीडिया देखता है तो हम लोग लीडर लोग जब बाइक करता है तो अभी बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, हमारा पार्टी का बूथ सशक्तिकरण चल रहा है। तो मोदी जी का आदेश है कि हम लोग अभी जो 75 साल गिरा आ रहा है हमारा अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाने जा रहा है, उसको हम लोग हर घर तिरंगा बोल के वो जो उमंग उत्साह से एक तो माने भाईचारी अपना देशवासी को मैसेज देना है बोल के, पर्व मनाना है बोल के भी प्रोग्राम है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी ये हमारा दुख का गरीबी है क्योंकि मानसून होने की वजह से। मेरा यही आग्रह रहेगा, मेरा अपील रहेगा कि ईटानगर का वासियों को आपका माध्यम से, देखिए जितना भी आपदा आएगा जितना भी क्राइसिस आएगा वो हौसला बना रहना है और अपना एक दूसरा को मदद करना है। अभी जैसे आप वार्ड नंबर 20 का है, वार्ड नंबर 15 का है, वार्ड नंबर 12 में तकलीफ हो गया बोलने से हम अपील कर रहे हैं, वहाँ का वो जो वेलफेयर कमिटी जो है जो कुछ होता है डेक्ची बर्तन कपड़ा जूता चप्पल पूरा लेके जिस वार्ड में इफेक्ट हुआ वहाँ जाके मदद करना, ये है भाईचारी, ये है आज़ादी का अमृत का महोत्सव का मेन कंसेप्ट कि एक दूसरा को जब तकलीफ होगा। मैं ईटानगर का मेयर होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि सारा ईटानगर मेरा फैमिली है, तो फैमिली का एक भाग जो है इतना आपदा में इतना फ्लड हिट में तकलीफ में जी रहा है तो एक फैमिली का दूसरा भाई लोग जाके मदद करना है। इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों को मैं ये आह्वान अपील करता हूँ, मेरा आवाज़ जिस किसी के सामने भी पहुँच रहा है, मैं एकदम विनम्रता से दिल से हम रिक्वेस्ट कर रहा है अपील से, रुपया हो पैसा हो डेक्ची हो बर्तन हो, अभी जो ज़रूरतमंद है हमने जगह को क्लियरली बता रहा है। ईटानगर में वार्ड नंबर 8 में सारा वो अपना पांचाली एरिया, अपना वार्ड नंबर 3 वार्ड नंबर 2 सारा वो पुलिस कॉलोनी एरिया, और इधर में खास करके जहाँ क्लाउड ब्रास हुआ है ज़्यादा इफेक्ट जहाँ हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, वार्ड नंबर 12 वार्ड नंबर 13 और इधर प्रेस कॉलोनी तक वैसे बहुत डैमेज तो हुआ है बारिश का कारण, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में वो 3-4 एरिया में हुआ। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी आपका माध्यम से मैं तहे दिल से एज ए मेयर एज ए लीडर ऑफ ईटानगर में अपील करता हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर दोनों को, आपका जो फ्लड डैमेज के लिए आपका जो रिलीफ का डिजास्टर ऑफिस का डीसी का थ्रू जो मदद जा रहा है वो नहीं पहुंच रहा है, और पहुंचता भी है तो वो काम का नहीं है 500,000 रुपया जो है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और यहाँ का नेता यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण रिजिजू जी, आप लोग तीनों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ पर्सनली ईटानगर वासी के लिए, आप इमीडिएटली अभी जो डिवेस्टेशन हुआ है जिसका जान माल घर सर पूरा जो टूट गया, आप लोग सब जल्दी से एक मीटिंग करके एक स्पेशल सेशन करके एक स्पेशल डिसीजन लीजिए,
मेरा तरफ से हम ये मैसेज दे रहे हैं, अभी हम कल भी हम दो तीन जगह गया, अभी हम आने वाला दिन को वैसे मैं व्यस्त रहता हूँ समाज सेवा में, फिर भी हम आज दिन को आफ्टरनून को मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, जितना पहुँच सकेगा हम हर घर में जाएंगे। जो मेरा मैसेज सुन रहा है आप लोग, हम लोगों को जो असली इफेक्टेड विक्टिम जो है, हाँ क्लियर कट मैसेज है, जो जिसका कुछ टूटा नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, रॉन्ग मैसेज मत दे, क्योंकि असली मिलने वाला चीज जो गड़बड़ हो जाता है, हमारा यहाँ कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। इसलिए जो मेन इफेक्टेड को मेरा अपना जेडीयू का पार्टी का आदमी है, बीजेपी में बीएलसी का मेंबर है, खास करके ईटानगर म्यूनिसिपल का जो वार्ड मेंबर है, कौनसन कॉरपोरेटर का कॉरपोरेटर सेक्रेटरी वार्ड मेंबर, वो सारा एक्टिव हो जाइए। हम जो जो बोला है वार्ड मेंबर अपना कॉरपोरेटर के साथ एक्टिव होके असली इफेक्ट क्या हुआ, किसका क्या नुकसान हुआ, कैसे हुआ, वो हमको बता दें, मैं हेल्प करने के लिए रेडी है। हमसे जो होता है मैं अपना पॉकेट से भी मदद करूंगा, और जो सरकार से होता है सरकार का पास जाऊंगा। अभी का ये बर्निंग टॉपिक ये था। दूसरा आप लोगों ने जो सवाल किया, ये हर्ष और उमंग माने एकदम पूर्ति का बात देखिए, हम लोग 75 ईयर्स पहुँचने जा रहे हैं। मोदी जी ने 8 साल में क्या काम किया आप लोग मालूम है, हर घर को अभी बिजली दे रहा है, हर घर को पानी दे रहा है, जहाँ जहाँ में बिजली का इशू है अभी हम लोग करेंगे, पानी का इशू है हम लोग करेंगे। अपना पेमा कांडू जी हमारा यशस्वी युवा मुख्यमंत्री 8 साल का अंडर में जो काम किया, जो आदमी मेडिकल में बीमार है उसको केमे का जो स्कीम है, आयुष का जो स्कीम है, ये आज़ादी का अमृत का महोत्सव का आज जो तिरंगा यात्रा हम लोग ले जा किया, मैं वार्ड नंबर 17 अपना वार्ड में खड़ा हूँ, अपना वो वार्ड मेंबर लोग का साथ और बूढ़ा बूढ़ी माँ पिताजी लोग का साथ, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सारा ईटानगर में अभी से लेके ऑफिशियली 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक आप हर घर में तिरंगा ये लगाइए। और ये ईटानगर में वार्ड नंबर 17 में अलग अलग प्रकार का आदमी है, कोई बिजनेस वाला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, हम लोग इंडियन है, इंडियन होने के नाते कोई काला हो गया, कोई रंग थोड़ा सा सांवला हो गया, उससे मतलब नहीं, वी ऑल आर इंडियन। हम लोगों का दिल, सबका दिल मिलना है वो बराबर है। हम अपना को ट्रेवल नॉन ट्रेवल निशी आदि मनपा मिजी नहीं करके, मोदी जी का मैसेज है कि हम लोग जो है हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग पूरा भाईचारे को निभाए रखना है और मिल के रहना है। पहले समय में जब दूसरा नेता था तो वो ट्रेवल है नॉन ट्रेवल है झगड़ा करता है, फिर थोड़ा गड़बड़ होने से बंदरदवा गेट पार होने से देखेगा बोल के देश देश में अपना देश का अंदर झगड़ा होता है। अभी मोदी जी ने बोल दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप लोगों ने प्रयास किया, अभी आप जहाँ खड़ा है देखिए उज्जवल भारत, उज्जवल भारत तो चलते रहेगा, लेकिन आप यहाँ देखिए उज्जवल वार्ड नंबर 17 हो गया। ये वार्ड नंबर 17 में अभी आप खुद अंदाजा लगाइए कितना लाइट आ रहा है, आप सब खुद वो अपना कितना प्रकाश आ रहा है वो देखिए। और ये जो गली है आपका पब्लिक मूवमेंट के लिए, आपको दौड़भाग करने के लिए जल्दी से स्कूल बस आएगा, अभी कुछ भगवान ना करे फायर एक्सीडेंट होने से जल्दी जल्दी फायर ब्रिगेड आएगा, आपका मिल्क बैन का गाड़ी आएगा, स्कूल का गाड़ी आएगा। दोकुम कॉलोनी का आदमी लोग इतना दिलदार है, हम लोग यहाँ से मेयर बनाने का बात कॉरपोरेटर बनाने का बात खुद खुद रास्ता को गुमटी को पूरा साफा कर दिया। हम तो सारा ईटानगर का और से दोकुम कॉलोनी का मेंबर लोग को आदमी को और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया रास्ता के लिए सड़क के लिए वो भगवान का काम है, हम तहे दिल से उसको सलाम करते हैं। आप लोग एक जोरदार ताली बजा दीजिए, ये मामूली बात नहीं है। आप लोग सोचता होगा ये मामूली बात है, बिल्कुल ये मामूली बात नहीं है। आज इतना लाइट आ रहा है, ये गली इतना सुंदर हो गया, सब आदमी अभी घर घर में बोल रहा है, 3 लाख आदमी दोकुम कॉलोनी का नाम लेता है। आप लोग सोचता है ये दोकुम कॉलोनी छोटा मोटा बिजनेस वाला है, हम लोग को कोई नाम नहीं लेता। हर मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को हर मीटिंग में हम बोलते हैं मेरा दोकुम कॉलोनी जैसे सबका सोच बदल दो, सब सबसे अच्छा होगा। वहाँ कोई बड़ा आदमी, वहाँ कोई रुपया पैसा करोड़पति वाला कोई नहीं रहता है,
लेकिन वहाँ गरीब गरीब लोग जरूर है, लेकिन वो लोग पैसा का गरीब है, दिल का गरीब नहीं है, हम हमेशा वो लोगों को बोलते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तानी होने के नाते आज जो 15 अगस्त से पहले आप जो ये रास्ता दिखाया, आपका बच्चा लोग कितना आराम को आराम से रात को घूमेगा। इसलिए आप लोगों को हम शुभ अवसर पर ये मौका दे रहे हैं। हम लोग एक स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमा खांडू जी से अलाउ कर रहे हैं। अभी ये हाल ही में ये 1.5-2 महीना में आएगा, नंबर वन। नंबर टू जो है अपना गली गली में हाई मार्क्स के लिए सोलर से सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी अपना आप लोग रिकॉर्ड करना है, जानू तायंग जी को मैंने बोला है कि पहले वार्ड नंबर 17 से शुरू करेगा काम में। बिजली का बोस का इशू है, वायरिंग का इशू है, अपना ये जो ट्रांसफॉर्मर जहाँ रह गया, ट्रांसफॉर्मर मतलब पहले आप जो 6500 ट्रांसफॉर्मर में 50 आदमी घर में था, अभी शादी विवाह हो गया तो थोड़ा आबादी बढ़ गया, अभी 300-400 घरों से पंखा भी बहुत स्लो चलता है और गर्म तो बहुत गर्म होता है, लाइट भी ऐसे कम दिखाई देता है बोल के मैंने जानू तायंग साहब को आप लोग पूछिए, हमने डायरेक्शन दे दिया। ये 3-4 चीज इंटीग्रेटेड ये ड्रेनेज सिस्टम अपना ये टाउन का लॉ एंड ऑर्डर होता है या ड्रग्स गड़बड़ करता है बोल के, लाइट का सिस्टम सबसे पहले हम वार्ड नंबर 17 को देंगे, उसके बाद बाकी वार्ड को हम देगा। ये मेंबर लोग वोट करके रखिए, वो जितना भी ये 3-4 स्कीम आ रहा है पहले आप लोग को मिलेगा। मुझे याद है तची थमा जी का घर में मैंने बोला था, हम कुछ लेने नहीं आया, कुछ भी हो छोटा हो बड़ा हो मैंने देने आया बोला, वो बात अभी भी हम याद है, मेरा जहन में है। सिर्फ मेरा एक दिल से हम रिक्वेस्ट करते हैं, एकदम दिल से, आप लोगों को भी दिल से कृपया सुनना पड़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति करने के लिए हम अकेला से नहीं होगा, आप लोग को भी पॉजिटिव फीलिंग होना है, ये छोटा मोटा चुकलीबाजी नहीं करना है, देश आगे बढ़ना है। आप आज ऐसा है, आपका बच्चा ऐसा नहीं होगा, यहाँ से भी वो मोदी जैसे चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए आपका दिल छोटा ना करें। हम जब तक है आप लोग का साथ है, लीडर लोग सब साथ है, हम आगे बढ़ाएगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करना है।